नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा, जिसमें आज बात अयोध्या में राम मंदिर बनवाने को लेकर केंद्र के उठाए गए बड़े कदम। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर 1993 में अधिकृत 67 एकड़ जमीन को गैर विवादित बताते हुए इसके मालिकों को इसे लौटाने की अपील की है। इस तरह से सरकार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता मानो साफ करना चाहती है। सरकार का तर्क है कि पहले रोज सुनवाई होने को प्राथमिकता में रखा गया था, लेकिन 5-6 महीने ऐसे ही निकल गए, इसलिए ये पहल की गई है। सरकार के इस फैसले का हिंदू संगठन स्वागत कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले से विरोधी दल के कान भी खड़े हो गए और उन्हें इसमें सियासत नजर आती है, सियासी चाल दिखाई दे रही है। विरोधी पार्टियों का आरोप है कि सरकार ये सब कुछ लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर रही है, ताकि उससे फायदा उठाया जा सके। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर विवादित जमीन के अलावा जो बाकी भूमि है उसके अधिग्रहण की अनुमति मांगी है। अर्जी में कहा गया है कि 2.77 एकड़ जमीन के अलावा बाकी जमीन पर निर्माण का अधिकार दिया जाए। इस फैसले का सीएम योगी ने स्वागत किया है। स्वागत योग्य है, हम अभिनंदन करते हैं केंद्र सरकार के इस निर्णय का। सरकार के इस फैसले का विश्व हिंदू परिषद भी जोरदार स्वागत कर रहा है। ये बहुत ही स्वागत योग्य है कि कम से कम केंद्र सरकार ने हमारी राम जन्मभूमि न्यास के 42 एकड़ जमीन जो हमारी थी और उसको अधिग्रहण कर लिया गया था उसके लिए, और केंद्र सरकार ने एप्लीकेशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, ये स्वागत योग्य। सरकार को लगता है कि इससे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार और हम सब भारत के लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर शीघ्र बने उसके लिए लगातार प्रयत्नशील हैं और मुझे शीघ्र परिणाम आने की उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों से संत समाज मंदिर निर्माण को लेकर सरकार पर जिस तरह से लगातार दबाव बना रहा था, यह फैसला उसी का नतीजा है। उसका मसला कोर्ट के माध्यम से ही है और सब लोग निराश भी हैं। जिस तेज गति से उस पर फैसला होना चाहिए था, सुनवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है, उसके कारण चाहे जो भी हो, तो साधु संत भी निराश हैं, राम भक्त भी निराश हैं, करोड़ों लोगों में एक उम्मीद थी कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला होगा। सरकार के इस कदम से बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी तो खासे उत्साहित दिख रहे हैं। मैं तो सोचता था ये अनिवार्य भी नहीं है, हम सीधा कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं और कोई सवाल उठाएंगे तो हम बता सकते हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सरकार के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। और अगर ये जमीन सुप्रीम कोर्ट छोड़ देता है जिस पर बेवजह का स्टे है, तो हम ये समझते हैं कि राम मंदिर का निर्माण फौरन शुरू हो सकता है। दूसरी ओर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी इस पर खुलकर बोलने से बचते नजर आए। कोर्ट उसका नोटिस लेगा और सुप्रीम कोर्ट देखेगा कौन अफसरान ऐसे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में उनका साथ देते हैं। ये सब बातें तो प्रैक्टिकल नहीं मुझे लगती है। वह इस मामले में कांग्रेस बीजेपी पर जहां सियासत का आरोप लगा रही है, तो वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात भी कह रही है। सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला न्यायालय में विचाराधीन है, पूरा देश जानता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की इच्छा है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा हम उसका सम्मान करेंगे। पिछले कुछ समय से जिस तरह से संत सरकार पर राम मंदिर को लेकर ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे थे, मोदी सरकार का ये फैसला उसी का नतीजा दिखाई दे रहा है। सरकार यह जताने में सफल होती दिखाई दे रही है कि वो मंदिर निर्माण को लेकर गंभीर है। अब निगाहें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर है। दरअसल सरकार जिस गैर विवादित जमीन को उनके मालिकों को वापस लौटाने की इजाजत मांग रही है, उसमें एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 42 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास की है। जाहिर तौर पर जब अयोध्या भूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रफ्तार नहीं पकड़ रही है, सरकार इस सियासी स्ट्रोक के जरिए अपने वोट बैंक को यह संदेश देना चाहती है कि वो राम मंदिर के लिए गंभीर है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अरविंद सिंह, न्यूज स्टेट। चलिए, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्वामी नावदेव
दास साहब हैं, कंप्यूटर बाबा के तौर पर जाने जाते हैं, धर्मगुरु हैं हमारे साथ, मनीष शुक्ला साहब हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हाजी मोहम्मद सलीम साहब हैं, आप धर्मगुरु हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के, मुफ्ती शैमून काजमी साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन मनीष शुक्ला साहब, एक सवाल सबसे पहला मेरा आपसे, 67 एकड़ जमीन वापस से लौटा दी जाए, क्या होगा उस 67 एकड़ जमीन का? देखिए अनुराग जी, 2010 में जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया था उसमें 10.313 एकड़ जमीन ही विवादित है, इसके अलावा गैर विवादित जमीन है जो अधिग्रहित किया था केंद्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टेटस को लगाया है और उसको सरकार की मंशा है कि सरकार को मिल जाए और उसको राम न्याय भूमि को, राम जन्मभूमि न्याय को दे दिया जाए। तो निश्चित रूप से ये कदम है कि मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो, उसकी तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है, पॉजिटिव कदम है। मनीष शुक्ला साहब, थोड़ा सा विरोधाभास है, एक निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा है। मनीष शुक्ला साहब, थोड़ा सा विरोधाभास है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी के अध्यक्ष ये कहते हैं कि चूंकि मामला अदालत में लंबित है लिहाजा कानून या किसी दूसरे प्रावधान का जिक्र नहीं हो सकता, दूसरी तरफ 67 एकड़ जमीन मांगने की दलील, कहीं विरोधाभास है क्या? नहीं नहीं, विरोधाभास नहीं, इसको समझने की आवश्यकता है अनुराग जी। देखिए, जो विवादित जमीन है 10.313 एकड़, वो विवाद उस पर मुकदमा चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय में। इसके अतिरिक्त जो भूभाग है वो गैर विवादित है, उस पर केवल स्टेटस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उस स्टेटस को हटाने की मांग सरकार ने की है। चूंकि ये अधिग्रहित जमीन है, वो सरकार के पास है, वो जमीन उस पर स्टेटस को है, उस स्टेटस को हटाने की बात की गई है। देखिए अनुराग जी, पूरे देश में एक निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा था, चूंकि जिस तरीके से डे टू डे हेयरिंग के लिए सरकार ने प्रयत्न किया, उसके बाद भी विभिन्न कारणों से हेयरिंग नहीं हो पा रही थी और रोज किसी न किसी कारणों से हेयरिंग बढ़ रही है, तो एक निराशा का भाव है। आज देश में जो राम भक्त हैं, जो राम का मंदिर चाहते हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ लोग का भावना का सम्मान किया है केंद्र की सरकार ने, और एक कदम है मंदिर के मार्ग को प्रशस्त करने। ठीक है, हमारे साथ कंप्यूटर बाबा जुड़े हुए हैं, आप धर्मगुरु हैं, आप किस तरीके से देखते हैं स्वामी नामदेव जी जो दलील यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता दे रहे हैं, 67 एकड़ जमीन वापस सरकार को मिल जाए, मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो, सवाल है कि चुनाव से 4 महीने पहले क्यों? ठीक कह रहे हैं, नीला होता तो अच्छा। देखिएगा ये, हेलो जी, कहिए। हेलो हेलो हेलो, कहिए, आप आपकी आवाज सुन रहे हैं, आवाज आ रही है जी, बोलिए जी। हेलो, हाँ, यही तो समस्या है, यही तो समस्या है इनकी, कि कसम राम को खाएंगे पर मंदिर नहीं बनाएंगे। ये पड़ोस में जगह लेना, पड़ोस की जगह की जरूरत नहीं, हमें राम मंदिर की जगह चाहिए, आप जो लगे वो बनाएं, इसमें स्वागत लायक कोई चीज नहीं है, ये तो राजनीति हो रही है। इनको 2019 का चुनाव जीतना है, मोदी जी को, बीजेपी सरकार को, बीजेपी को, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। अरे भाई, राम जी जहां विराजमान हैं, राम मंदिर बनना चाहिए, बाकी सब नहीं, बाकी सब जो बने तो ठीक है, आप उसकी जगह का मांग कर रहे हैं, आप राम जी की जगह मांग करो जहां राम मंदिर बनना है। मनीष शुक्ला जी, जवाब दीजिए, गुमराह करने वाले हैं, यही तो कह रहे हैं, सब मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप कर रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, जवाब दीजिए कंप्यूटर बाबा का। अनुराग जी देखिए देखिए अनुराग जी, मैं पूरे सम्मान के साथ कंप्यूटर बाबा जी को ये बात कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर का जो प्रारूप है, जो प्रस्तावित राम मंदिर है, अगर उसको आप देखेंगे तो वो 10.313 एकड़ में ही नहीं बनना है, वो एक लंबी योजना है जो प्रस्तावित राम मंदिर है, तो अन्य चीजों पे राम न्याय को जब मिल जाएगा तो अन्य चीजें डेवलप होती रहेगी। तो आप करेंगे 4 दीवारी बना लेते हैं, खंबे खड़े कर लेते हैं, चबूतरा बना लेते हैं, मंदिर तब बनाएंगे जब अदालत से फैसला आ जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, ये तो बनाने का काम तो राम जन्मभूमि न्याय करेगी। ठीक है, हमारा काम जो है, हम सरकार के पास अधिग्रहित जमीन है, सरकार की मंशा है कि वो जमीन हाजी, सरकार को, हाजी मोहम्मद सलीम साहब, सरकार की मंशा क्या आपको सही लगती है? क्या ये मामले को सुलझाने की कोशिश है,
या कहीं ज्यादा उलझाने की कोशिश है सियासी फायदे के चलते? देखिए, सरकार हिंदू समाज को अगर धोखा देकर वोट हासिल करने के लिए राम जी का नाम इस्तेमाल कर रही है तो सरजू नदी से लेकर के कहीं पे भी वो शिलान्यास करवा दें। जिस जगह का विवाद है, जहां बाबरी मस्जिद थी जिसको डिमोलिश करके जहां कब्जा किया, यही तो कहना मेरा मंदिर, मेरा यही कहना है समुदाय की आस्था को उन्होंने राम मंदिर, जहां राम रामलला विराजमान है वहां मंदिर की बात सरकार कर रही है। ये धोखा देना, इसका राम का राजनीतिकरण करना, 2019 वही राम मंदिर बने को जीतने के लिए ये इनका एक सगुफा है और इसकी से बात अच्छी नहीं लग रही है। अगर आप राम मंदिर के प्रति इतने चिंतित हैं तो आप आइए साथ राम मंदिर बनाने में मदद करिए। नहीं, वो राम मंदिर बनाने में मदद करें या ना करें, लेकिन वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप सब कुछ सियासत के चलते 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं, गुमराह करने के लिए लगा रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, चाहते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट हो, ये तो वो लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जो बाबर के पैरोकार हैं। मंदिर मस्जिद, कुंभ मेला, राम जी, इसके अतिरिक्त बीजेपी को कुछ नहीं दिख रहा। आपको क्या, आपको क्या तकलीफ है कुंभ मेले से? आपको क्या तकलीफ है कुंभ मेले से? चलिए चलिए, विषयांतर नहीं होते, कुंभ पर नहीं पहुंचते हैं। अयोध्या का जिक्र हो रहा है, राम मंदिर का जिक्र हो रहा है, 67 एकड़ जमीन का जिक्र हो रहा है, जिसके लिए सरकार ने कहा है कि ये जमीन वापस लौटा दी जाए, इससे हटा दिया जाए। मुफ्ती शैमून काजमी साहब, क्या इससे स्थितियाँ सुधर जाएंगी? बहुत संक्षेप, आपके सौदागर साहब आता हूँ, मनीष शुक्ला साहब आता हूँ आपके पास, मुफ्ती जी आता हूँ आपके पास, काजमी साहब, क्या ये स्थितियां सुधारने की दिशा में सही पहल है? उनके साथ मुस्लिम पक्षकारों को इसका स्वागत करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि इससे जो 2010 में माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया था उसी के अनुसार सरकार ने संज्ञान लिया है, संज्ञान लिया है सरकार ने, तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर इससे एकता का वातावरण बनेगा और मुसलमानों को इस पे सोचना चाहिए। जैसे अभी हमारे ये मोहतरम बोल रहे हैं, इन्हें जरा सोच समझ के बोलना चाहिए कि क्या कह रहे हैं, ना ही कुंभ से इन्हें परेशानी होनी चाहिए। और अगर शिलान्यास और उस विवादित जगह को छोड़ करके सरकार ने ये फैसला लिया तो मैं समझता हूँ ये स्वागत योग्य है, इसका वेलकम होना चाहिए, इसका खैर मकदम होना चाहिए, इससे हिंदू और मुसलमान जो स्वागत करना चाहिए, जो एक परिवार है, हाजी सलीम साहब, भाईचारा बनेगा चाहिए। और मस्जिद और मंदिर जो है वो सब अल्लाह के घर है, ईश्वर का, ईश्वर को सजदा किया जाता है। इसलिए मैं जलील साहब आपसे कहना चाहूंगा कि आप मजहबी मर्यादा को जहन में रखिए। इस्लाम ने जिस जो मजहब ने जो हमारे इस्लाम ने रास्ता हमें बताया है उसने ये कि आओ हम वो मस्जिद और मंदिर जिससे दूरियां बढ़ती हों उन्हें कुर्बत में बदल दें, और मस्जिद और मंदिर दोनों खुदा के घर हैं। आपको इस पे एतराज नहीं करना चाहिए। मोहम्मद सलीम साहब क्यों नहीं समझ रहे हैं आप काजमी जी की बात? देखिए वो तो उदाहरण दे रहे हैं। आपको महसूस होना चाहिए कि आप देखिए पूरा इस्लाम और सारे मजाहिब इसी एकता से भरे पड़े हैं, और ये बहुत ही अच्छा। और अगर आप, मैंने तो कहा सनातन धर्म के ठेकेदार ये बीजेपी के लोग क्यों बने? नहीं, सनातन धर्म को तो आपको भी समझना चाहिए, सनातन धर्म के मैंने जो सीधा चलाया हो, इस्लाम और सनातन धर्म के फर्क को आप ही समझिए, आप भी समझिए, आप समझिए सनातन और इस्लाम के, इस्लाम के में क्या फर्क है, जो सदा से सीधा चलाया हो, एक ईश्वर की बात, एक ईश्वरवाद की बात होगी, अल्लाह भी एक है, लेकिन लेकिन कंप्यूटर बाबा, आप कंप्यूटर बाबा बोल रहे, बीजेपी की भाषा नहीं, हम इंसानियत की भाषा बोल रहे हैं। देखो आपको सुनिए, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु खड़े होकर कहते हैं, एक ईमान वाले की, एक इंसान की जान दोनों है जो आपकी भाषा नहीं बोलेगा, आपको कंप्यूटर बाबा, आप सुन रहे हैं यहाँ पर काजमी साहब को, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो सरकार की पहल है इसका स्वागत होना चाहिए। एक मुस्लिम धर्म गुरु कंप्यूटर बाबा, एक मुस्लिम धर्म गुरु इस पक्ष में है कि सरकार का फैसला सही है, हिंदू धर्म गुरु कंप्यूटर बाबा क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों आपको इसमें सियासत नजर आती है? एवं देश में इनके, इनका दो तिहाई बहुमत है, बीजेपी का दो तिहाई बहुमत है मोदी जी का और योगी जी का, इसके बाद भी यदि राम मंदिर नहीं बना पाए तो आप जिंदगी में कभी राम मंदिर नहीं बनेगा। ये केवल भटकाने का काम शुरू कर रहे हैं, 67 एकड़ जमीन वापस लेने की मांग इसी की शुरुआत नहीं है कि राम मंदिर बने नहीं। ये देखिए इसलिए नहीं है, उसका कारण क्यों नहीं है, क्योंकि मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिएगा, संतों को, मोदी जी को विदेश में
मस्जिद मस्जिद घूमते हैं पर भारत में रामलला के दर्शन कर नहीं जा सकते। ये दुनिया में सब जगह जा सकते हैं, राम जी इसका समझ में आ जाता है, ये मंदिर नहीं बनवाएंगे। मनीष शुक्ला जी, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, राम मंदिर आपकी प्राथमिकता में नहीं। कंप्यूटर बाबा का सीधा आरोप आपके ऊपर देना चाहता हूँ। मैं दो बातों का जवाब देना चाहता हूँ। अभी आपके चैनल पे हाजी सलीस धर्मगुरु लिख कर आ रहा है, मुस्लिम धर्मगुरु, उनकी भाषा आपने देखी। दूसरे धर्मगुरु ने जो मुस्लिम धर्मगुरु ही है उनको क्या कहा, दलाल। ये शब्द है धर्मगुरु का निश्चित रूप से। ये अभी इनसे आप पूछिए कि जो विवादित जगह होती है इस्लाम और कुरान के आलोक में, बीजेपी के लोगों को दलाल का है? आपका आपका बाबर से क्या नाता है, आपका बाबर से क्या नाता है? एक शब्द ये कुरान और इस्लाम के बारे में नहीं बता पाएंगे ये, और इनकी भाषा और शब्दावली बताती है ये धर्मगुरु की भाषा नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, कहते हैं। माफ कीजिएगा मनीष शुक्ला साहब, आपको रोक रहा हूँ, मैं आता हूँ काजबी साहब आपके पास। हमारे साथ विनोद बंसल साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। विनोद बंसल साहब, अलग अलग तरीके के पक्ष है 67 एकड़ जमीन को लेकर, लेकिन सीधा सवाल मेरा आपसे, चुनाव से 3 महीने पहले इस तरीके की दलील का क्या कुछ मतलब सर? क्या वाकई गंभीरता है या सिर्फ सियासी फायदा उठाने की कोशिश? समझ में आ गया विनोद बंसल साहब, परिभाषा ये शब्द नहीं है। मनीष शुक्ला जी सुन लेते हैं। नहीं देखिए, सियासत की बात तो सियासतदान करेंगे जी, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए सर, टोटल जो 67.7 एकड़ जमीन है, आप देखिए बड़ा विचित्र है इस देश का हाल भी कि 67.7 एकड़ लैंड में से डिस्प्यूटेड लैंड सिर्फ 0.313 एकड़ लैंड है बस, और पूरी 67 एकड़ से ज्यादा लैंड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वायर कर रखा है। जबकि इसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपको बताया नरसिंह राव की जब सरकार थी तो 1993 में उसने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि मंदिर को तोड़ करके, किसी मंदिर को तोड़ करके ये मस्जिद नुमा ढांचा बनाया गया था तो हम संपूर्ण भूमि हिंदुओं को सौंप देंगे। विनोद बंसल, ये बात सरकार की पहल है, ये मई 2014 में क्यों नहीं दिखी, ये जनवरी 2019 में क्यों नजर आ रही है? मैं कहता हूँ जब भी आई देर आए दुरुस्त आए, जिन लोगों ने पिछले 13 साल में कुछ नहीं किया वो आज उस पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं? आप मुझे बताइए कि 2013 का डिसीजन था और 2013 के डिसीजन में वकादा इस्माइल फर्क वाले जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा था कि ये जो है अविवादित भूमि है वो उनके ओरिजिनल मालिकों को दे देनी चाहिए। जब ओरिजिनल मालिकों को दे देनी चाहिए तो क्यों नहीं दी गई? आखिरकार उसको क्यों कुंडा मार के रखा गया? क्योंकि उस समय की सरकार का, एक बीच में मत बोलिए यार, बीच में बोलने वाले बहुत गड़बड़ा है, ये इनको बोलने का तमीज नहीं है क्या? थोड़ा समझिए, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखो। देखिए, अगर ओरिजिनल मालिक हो तो तुम्हें मिल जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने, विनोद बंसल, विनोद बंसल जी, हाजी मोहम्मद सलीस कह रहे हैं कि आपको अदालत पर भरोसा नहीं है क्या? विनोद बंसल साहब, हाजी मोहम्मद सलीस कह रहे हैं आपको अदालत पर भरोसा नहीं है क्या? इनके शब्द इनके गुरु की भाषा शैली है ये। भरोसा हो, अरे बीजेपी, अगर सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं होता तो हम 67 साल तक कानूनी लड़ाई नहीं लड़ते। हमें 60 साल हाई कोर्ट में, 8 साल सुप्रीम कोर्ट में लगाते नहीं, वो काम सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है? सुप्रीम कोर्ट को भरोसे की बात वो नहीं कर सकते जो बार बार सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। विनोद बंसल साहब, विनोद बंसल साहब, आपने कहा कि देखिए साहब, मई 2014 में नहीं हुआ, जनवरी 2019 में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दे रहा है दोस्त आए, लेकिन आप मुझे बताइए मंदिर क्या 67 एकड़ जमीन पर आप बनाएंगे या उसी विवादित जमीन पर बनाएंगे जिस पर फैसला सर्वोच्च अदालत करेगी? फैसला देगा? अच्छा, ये कैसे 4 दीवारी की शुरुआत हो जाएगी चुनाव से पहले? क्या जो फैसला आएगा इन्हीं के पक्ष में होगा? अरे डेढ़ साल बर्बाद कर दिया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का धमकाने के अलावा, उनके ऊपर मायावोग लगाने के अलावा इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। इनको पता है कि राम जन्मभूमि का निर्णय रामलला विराजमान के पक्ष में आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए इनको डर लग गया जा रहा है कहीं राम मंदिर बन ना जाए, इसलिए इनके पैरों तले जमीन सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के पैरों तले को जेल क्यों नहीं भेजा? कंप्यूटर, ठीक है, चर्चा में कंप्यूटर बाबा को लाते हैं। कंप्यूटर बाबा, आप दोनों दलीलों को सुन रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जो विवादित जमीन है उस पर तो फैसला सर्वोच्च अदालत सुनाएगा, जिसके बाद तय होगा कि मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन उसके आसपास की जो बाकी जमीन है वो सरकार अपने पास वापस चाहती है, क्या होगा? 4 दीवारी? कंप्यूटर बाबा, क्या मुझे कोई पूछा? देखे, हम संत समाज अब ठगे से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये कह के आए थे मोदी जी ने
कि मुझे यदि राम मंदिर नहीं बनाऊं। महाराज जी घबराइए, राम मंदिर की बात करी थी ना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात भावना के साथ। इन्होंने कहा राम मंदिर नहीं बनाएंगे तो चौराहे में खड़ा कर देना और मेरे कान पकड़ लेना। परंतु इन्होंने सुनिए, ये इनकी मंशा नहीं है। इन्होंने 2014 में जीते थे जी, सभा 700 करोड़ जनता की आस्था थी, हम लोगों ने वोट इसलिए दिए, संत इसलिए इनके साथ हुए कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। इन्हें राम मंदिर न बना के संतों को ठगा से महसूस कर रहे हैं। बहुत संक्षेप जो फैसला नहीं बनाएगी, मूर्ख बनाएगी पार्टी है, मंदिर नहीं बनाएगी, मूर्ख जरूर बनाएगी बीजेपी सरकार, मूर्ख बनाएगी। जो मंदिर का मुकदमा चल रहा है, मैं समझता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो बिल्कुल संविधान के हिसाब से देगा, मगर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि 1949 के अंदर जो ये विवाद हुआ, ये विवाद उसी वक्त अगर उस वक्त के नेता चाहते तो खत्म हो जाता। आज की लीडरशिप, आज का प्रधानमंत्री और आपकी सरकार चाह रही तो इसमें सारे देश के लोगों को स्वागत करना चाहिए। और विवादित जमीन छोड़ करके सारा मामला हो रहा है तो मैं जलीस साहब से कहूंगा कि कम से कम अपने मजहब को, जिस मजहब से तुम्हारा ताल्लुक है, उसे जरा समझने की कोशिश करिए। खाली इस तरह से अगर ये बातें करोगे तो ये फसाद करने वाली चीज है। और क्या कहा कि सबसे ज्यादा बना लीजिए सरजू नदी के किनारे से अशद्दु मिनल कत्ल। ठीक है, चलिए, यानी आपको काजमी साहब होना चाहिए। काजमी साहब माफ कीजिएगा, समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। काजमी साहब माफ कीजिएगा, मजहब पर किसी दिन और विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि धर्म क्या कहता है इस तरीके के विवादित मुद्दों को लेकर। लेकिन सवाल हमने आपसे पूछा था, सबसे बड़ा मुद्दा में, और सवाल बड़ा सीधा था, क्या मोदी सरकार के फैसले से राम मंदिर बन जाएगा? आप इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं, ये सवाल हमने आपसे पूछा था। मोदी सरकार के फैसले को लेकर 12% लोगों ने कहा कि हाँ, इससे राम मंदिर बन जाएगा। 88% लोगों को लगता है कि इससे राम मंदिर बनने वाला नहीं है। तो सवाल ये कि ये पहल क्यों, क्या सिर्फ चुनावी या वाकई गंभीरता के तौर पर इसको देखा जाए।